इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मॉडर्न शॉप काउंटर को कैसे बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। मैंने काफ़ी बारीकी के साथ फुल डिटेल को शेयर किया है इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा मॉडर्न काउंटर को कैसे बनाया जाता है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं जिशान सैफी, आप देख रहे हो MZS वुडवर्क। लकड़ी के काम से जुड़ी सभी जानकारी मेरे चैनल पर आपको काफ़ी आसान भाषा में मिल जाती हैं, और वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बारीकी के साथ आपको समझाऊँ, वीडियो के माध्यम से आपकी समझ में आ जाए। मॉडर्न काउंटर को बनाना स्टार्ट करता हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्रॉपर देखना, स्किप मत करना। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो काउंटर बनाने का पूरा प्रोसेस आपकी समझ में आ जाएगा कुछ ही मिनटों में, और आप भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से एक काउंटर बना सकते हैं। सारा खेल होता है एक आइडिया का। अगर एक आइडिया मिल जाता है कहीं से, अगर थोड़ा आइडिया मिल जाए तो काम भी काफ़ी आसान हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा काउंटर को कैसे बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा आसानी से आप काउंटर को बना सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना है स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने देख लिया तो पूरा प्रोसेस काउंटर बनाने का आपकी समझ में आ जाएगा काउंटर को बनाया कैसे जाता है। जो हमारा काउंटर का जो हमने ये एल शेप काटा है, ये 4 फीट, ये 4 फीट बाई 8 फीट के एरिया में हमने इसकी कटिंग की है। तो ये 8x4 की प्लाई में से एल शेप का एक पीस काट लिया है, जो इसके हमने ये नीचे का बॉर्डर को तैयार किया है 2 इंची में किया है। हमने 1.5 इंची की जो पट्टी होती है पहले उसको काट लिया था, उसके ऊपर से प्लाई को रख दिया, तो ये हमारा कंप्लीट 2 इंची का हो गया। जो इसकी लंबाई है वो कंप्लीट 8 फीट है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 20 इंची है, तो आप ये देख ही सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें इसके 2 पीस काटने होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, तो बिल्कुल इसका फेस एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद ये जो 4 फीट के बाद आपको कुछ इस तरह से ज्वाइंट को लगा लेना है बिल्कुल बढ़िया करके। उसके बाद जो है इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से करनी है, आपको करनी है कि 2 पीस जो है प्लाई के ज्वाइन कर लेने हैं पहले, क्योंकि इससे अंदर को हम अपनी प्लाई लगाएंगे। और ये जो हम तीसरा पीस जो हमने रखा हुआ है ये हमारी प्लाई है। वीडियो को देखते रहें, समझ में सब कुछ आ जाएगा। 2 प्लाई का ये हमने फर्मा बनाया है, तीसरी प्लाई जो है हमारी खड़ी होगी। ये जो हमने 2 प्लाई को लगा रहे हैं, इतनी एरिया हमारा ये बाहर को ओपन रहेगा, तो ये बिल्कुल खुला रहेगा। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है इसके खड़े वाले पार्टीशन की, जो हमें इसमें खड़े करने हैं। जो हमारे स्टार्टिंग में जो पीस लगना है, जो इसमें पीस खड़ा होना है, वो बिल्कुल पूरा खड़ा होना है, जैसे कि वीडियो में आप देख ही सकते हैं। उसके बाद जो हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं, ये दराज के सेल्फ को लगाने की मार्किंग कर रहे हैं, तो राइट एंगल की मदद से कुछ इस तरह से आपको दराजों की जो इसके अंदर हमें सेल्फ को खड़ा करना है, जो भी पार्टीशन को लगा लेना है, उसकी मार्किंग कर लेनी है। इसको मार्किंग को करने के बाद जो इसका सबसे स्टार्टिंग वाला पीस है, इसको पूरी से पूरी टक्कर पर लगा लेना है, जैसे कि ये जो एल की बाहर वाली टक्कर है और इसके अंदर वाली टक्कर, ये बिल्कुल फेस में होकर लगना है। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल कम्प्लीट जो हमारा 20 इंची का पीस है इसमें लगना है। जो इसकी हाइट होने वाली है हमारे काउंटर की, 32 इंची की हम हाइट पर बना रहे हैं, तो पहला पीस हमें इसको बड़ा करके लगा लेना है, जो कि इसके बिल्कुल फेस में करके लगा लेना है। उसके बाद जो पीस लगेंगे वो छोटे होकर लगेंगे, जो हमने अपनी फर्मा बनाया था, डबल प्लाई को ज्वाइन किया था और उसके साथ में एक प्लाई को लगाया था, तो उसी के साथ साथ हमने जो है 3 प्लाई के बाद में एक मार्किंग की थी, उसके बाद इसे हमने उतने एरिया में छोड़ दिया। तो ये हमारे काउंटर का अंदर का फेस है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, तो यहाँ से हमारे सेल्फ बिल्कुल फेस में होकर लगने हैं। तो ये हमारे सेल्फ लग चुके हैं, जिसमें से 3 सेल्फ हमारे छोटे आए हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ के सामने की इसके फ्रंट की चौड़ाई, इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो कि हमारा 56 इंची का एरिया है। तो 56 इंची में हम अपने बोर्ड को काट लेते हैं, तो हमारा बोर्ड भी कटकर तैयार हो चुका है। 56 इंच के बाद ये 2 जो है हमारे फर में कुछ इस तरह से आएंगे। उसके बाद जो है इसकी जो हमारे सामने की चौड़ाई है, जो हमारे काउंटर की चौड़ाई है, उसमें कुछ इस तरह से कीलों से हम इसको जाम कर लेते हैं, और ये फर्मा आपके हाथ में होना चाहिए ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पर लगे, थोड़ा बहुत भी लूजिंग ना आए। उसके बाद जब इसकी चौड़ाई का पीस लग जाए, उसके बाद लंबाई के पीस को लगा लेना है। अब आपकी समझ में आ गया होगा स्टेप कि वो जो हमने पहले फर्मा लगाया था वो किस तरह से लगाया था, और राइट एंगल से जब भी आप सेल्फ की जो इसकी लंबाई वाले सेल्फ हैं उसको राइट एंगल में देख कर ही ठोकें। उसके बाद ये फर्मा जब भी कील मारें हर जगह चेक जरूर कर लें कि हमारा फर्मे में है या फिर नहीं है। तो हमने ये जो 56 इंची का काटा है, यहाँ पर फर्मे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल एक एल शेप बन जाता है, तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें भी कीलों को लगा लिया है। काउंटर की बाहर की प्लाईयें ठोककर कंप्लीट हो चुकी हैं। जब इसकी आप अंदर की प्लाई को ठोकेंगे तो राइट एंगल लगाकर उसको ठोकते रहना, जो इसके लंबाई वाला पार्टीशन है इसमें से ही कीले अंदर को ठोक लेनी है। तो हमारा ये जो 2 पार्टीशन है, यहाँ पर दराजें बननी है, 2 दराज बननी है, नीचे पल्ला बनना है। तो जो हमारी चैनल वाली दराज होती है, इतने एरिया को इंची टेप से नाप लेना है, ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए।
टॉप को भी रखकर चेक कर लेते हैं। जब कटिंग हमारी राइट एंगल में होती है तो टॉप भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। फिर भी हमने इसे एक बार चेक कर लेना है कि हमारा प्रॉपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो रंदा मारकर उसकी सेटिंग हो जाती है। तो हमने इसके नीचे अंदर जो है एक सेल्फ को लगा दिया जो कि फोल्डिंग है। अब हम टॉप इस पर फाइनली रख देते हैं और इसको कीलों की मदद से ठोक लेते हैं। तो हमने फिलहाल इसमें आधी आधी कीलें लगा लेनी है। उसके बाद जो अपना फर्मा है उसको चेक कर लेना है सभी जगह पर कि हमारा प्रॉपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर कहीं प्रॉपर नहीं आता तो हथौड़ी की मदद से अंदर बाहर करके उसको प्रॉपर ला सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो ऊपर राइट एंगल की मदद से मार्किंग कर लेनी है और अपनी जो प्लाई के जो हमारे सेल्फ हैं खड़े वाले जो सेल्फ हैं उसमें कीलों को लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करके। कुछ इस तरह से हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो काउंटर का हमारा स्ट्रक्चर है वो बनकर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम इस पर माइका को लगा लेते हैं। तो माइका पर हमने माइका पे भी फेविकोल को लगा लेना है और प्लाई पे भी अच्छे से फेविकोल को लगा लेना है। कुछ इस तरह से माइका को हमें चिपका लेना है। और माइका को चिपकाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप माइका चिपकाएं तो कपड़े से उसकी अच्छे से रब करें, उसको रग लें ताकि वो अपनी जगह पे प्रॉपर सेट हो जाए और फेविकोल कोशिश करें फेविकोल अच्छी से अच्छी कंपनी का यूज़ हो। उसके बाद जो हमारी ये माइका एक्स्ट्रा है तो आप इसको माइका को जो है सूत एक दो सूत लंबाई में चौड़ाई में जिसकी चौड़ाई है उसमें कम काट सकते हैं, लंबाई में थोड़ा एक्स्ट्रा काटें ताकि हम उस पर रेती मारकर उसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लें। तो हमारी रेती भी लग चुकी है। उसके बाद अब हम इस पर मास्किंग टेप को लगा लेते हैं। मास्किंग टेप लगाने से हमारी ये प्रॉपर सेटिंग में रहती है। फिलहाल इसके पास में भी हमें माइका को लगा लेना है। इतने हम इसको मास्किंग टेप लगाने के बाद इसका जो बॉर्डर है उसको 3.5 इंची का दिखाते हैं। तो हमें ये जो है 3.5 इंची में ये हमें ये प्लाई ये 3.25 इंची में चीर लेनी है। तो हमने ये 3.25 इंची में प्लाई के पीस को चीरा हुआ है और इस पर फेविकोल लगा के इसे आपस में ज्वाइन करना है। फिर ज्वाइन करने के बाद इसमें कीलों से इसे पक्का कर लेना है। तो इसे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, पूरा स्टेप आपकी समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद जो है इसको नीचे रखना है, उसकी मार्किंग कर लेनी है जो कि हमने अभी मास्किंग टेप चिपकाया उतने एरिया में इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो है हमें इस इतने एरिया में इसको लगा लेना है, ये जो है काउंटर के जो नीचे जो काउंटर के ऊपर प्लाई है हमारी उसके नीचे लगा लेना है। पहले ही आपको इसमें कीलें ठोक लेनी है और कीलें ठोकने के बाद इस पर फेविकोल को अच्छे से लगा लेना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो हथौड़ी की मदद से अपना कीलों को ठोक लेना है और ये बिल्कुल हमारा जो है फेस में होनी चाहिए। तो ये ऊपर जो प्लाई है हमारी जो इसकी एल शेप के ऊपर प्लाई रखी हुई है इसके फेस में होनी चाहिए। तो ये हमारे 3.5 इंची का बॉर्डर बन जाता है, जो हमारे सामने का इसमें काउंटर का जो सामने का बॉर्डर है 3.5 इंची का बन जाता है। जैसे कि हमने इसके ऊपर 3.5 इंची का बॉर्डर बनाया, सेम वैसे ही हम इसके नीचे भी 3.5 इंची का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये मैंने नीचे का पीस जो है ये थोड़ा अलग टाइप से कटिंग की गई है, वीडियो में देख ही सकते हैं और इस स्टेप को समझ भी सकते हैं किस तरह से कटिंग की गई है। उसके बाद 3.5 इंची का हमारा नीचे का बॉर्डर हो गया और 3.5 इंची का ऊपर का। फिलहाल तो अभी ये थोड़े चेन से लग रहे हैं, जब इस पर लेमिनेट लग जाएगी माइका लग जाएगी बिल्कुल सेम लगेंगे। नीचे का और ऊपर का 3.5 इंची का बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है, माइका लगने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद इसके सामने की माइका चिपका लेनी है। इसकी जो इसके सामने की माइका की कटिंग करनी है सूत दो सूत कम करके करनी है चौड़ाई वाले पार्टीशन में, और लंबाई वाले में थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ देनी है ताकि हम रेती की मदद से उसकी फिनिशिंग कर लें। माइका लगाते समय इस बात का ध्यान देना है प्रॉपर फेविकोल लगा लेना है, अच्छे से लगाना है, माइका पे भी लगा लेना है और प्लाई पे भी लगा लेना है। उसके बाद मास्किंग टेप से इसकी सेटिंग कर देनी है, कुछ घंटों में हमारी सेटिंग हो जाएगी। जिस तरह से हमने इसके नीचे इसके लंबाई वाले पार्टीशन में बॉर्डर बनाया 3.5 इंची का, सेम इसी तरह से हम इस पे भी बॉर्डर बनाएंगे सामने वाले पार्टीशन पे। ऊपर 3.5 इंची की हमने लकड़ी लगा दी है, प्लाई के पीस लगा दिए हैं, सेम इसी तरह से नीचे भी प्लाई के पीस लगा दिए हैं। जो इसकी चौड़ाई वाला पार्टीशन है उसमें भी पीस को कटिंग कर लेना है और डबल पीस को ज्वाइंट कर लेना है। ये जो हम बॉर्डर बना रहे हैं ये बॉर्डर जो बनना है ये डबल पीस में बनना है, जो 19 mm की प्लाई होती है उसके डबल पीस में बॉर्डर को बनाना है। तो हमारा जो है इसके लंबाई और चौड़ाई के हिस्से का बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो हमने जो ये बॉर्डर बनाया है इसमें जो ये दो पीस है हमारे 3.5 इंची के, इतने स्पेस में ब्लैक कलर की माइका लगा लेनी है। हीटेक्स की मदद से ब्लैक वाली माइका को लगा लेना है। जिस भी कलर का काउंटर बनाएं आप, जो भी माइका लगाएं तो उसको अंदर से लगा लेना है। एक साइड पर पहले रंदा लगा लेना है, तो एक साइड पर रंदा लगाने से हमारी माइका काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। उसके बाद इसके लंबाई वाले बॉर्डर पर ब्लैक कलर की माइका को लगा लेना है, जिस कलर की भी आप माइका लगाएं। तो इसमें हमने 4 किलो को लगाया, कुछ भाई कमेंट करके शायद इस बात को पूछ सकते हैं। तो हमने ये 4 किलो इसलिए लगाई हैं, फेविकोल लगाने के बाद ये हमारी स्लिप होती है, तो इसको कील को लगाने से प्रॉपर अपनी जगह पर सेट रहती है। ऊपर और नीचे हमने रहती है अच्छे से फिनिशिंग के साथ
माल लेनी है और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाती है। उसके बाद जो इसकी जो कील के होल होते हैं उसमें मोम वाली जो पेंसिल होती है ब्लैक कलर का, उसका टच मार देना है, उसका एक टच मार देना है, बिल्कुल एक जैसी हो जाती है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो जो इसकी ये एक्स्ट्रा बचती है उस पर रंदा लगा लेना है, बिल्कुल फेस में कर लेना है और ये जब फेस में हो जाए फेविकोल लगा के इसको चिपका देना है और मास्किंग टेप की मदद से इसको सेटिंग पे लगा देना है। तो इस पर जब आप लगाएं तो इस पर थोड़ा कपड़ा ज़रूर मार लें, तो ये कपड़ा मारने से बिल्कुल प्रॉपर सेट रहती है। तो कुछ इस तरह से मास्किंग टेप को लगा लेना है। तो इसमें जो खेल होता है तो वो सारा यही होता है कि एक बार वीडियो को ध्यान से अगर आपने देख लिया तो पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो हमने इसकी लंबाई वाले एल शेप में भी माइका को लगा दिया है, तो दोनों साइड पर माइका को लगा दिया है। इसके नीचे भी अब माइका को लगा लेते हैं। तो हमने पहले ही जो माइका के पीस मैंने कट करके रख लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, वो कम समय में आपको समझ में आ जाए काउंटर को कैसे बनाया जाता है। तो इसी तरह से हमारा नीचे वाला पीस भी लग गया है। तो आपको अच्छे से सेटिंग कर लेनी है माइका, उसका जो मास्किंग टेप है मास्किंग टेप को ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं लगा लेना है। तो चौड़ाई वाले हिस्से में भी माइका लग चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सेटिंग भी हमारी माइका की हो चुकी है। उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन को बनाते हैं। हमने लेमिनेशन जो हमारी इस पर माइका पे जो लेमिनेशन होकर आती है कंपनी से उसको हटा दिया है। उसके बाद में हमने 2 इंची की पट्टी ली है, इसके नीचे हमने एक फर्मा बनाकर रखा है, इसके नीचे 2 इंची की पट्टी रखनी है, उसके ऊपर जो है 2 इंची की प्लाई को लगा लेना है, 2 इंची के जो पीस है हमारा उसको लगा लेना है। तो इस पीस पर हमारे टक्कर पर ब्लैक कलर की माइका पहले ही लगी हुई है हीटेक्स की मदद से। तो इसके ऊपर भी 2 इंची के पीस को रखना है, इसके साइड में भी 2 इंची के टुकड़े को फंसा लेना है ताकि हमारी 2-2 इंची का जो ग्रुप है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। तो कीलों की मदद से इसे ठोक लेना है। इस बात का इसमें ध्यान देना है जब भी इसको ठोकें फेविकोल जरूर लगाएं ताकि ये मजबूती से हमारी सेट हो जाए। तो लंबाई वाले हिस्से में लगा लेनी है और चौड़ाई वाले हिस्से में कुछ इस तरह से लगा लेनी है जो भी चौड़ाई के हिस्से का साइज आए। तो ये 32 इंची की हमारे काउंटर की हाइट है। तो इसी तरह से इस पे भी फेविकोल लगा लेना है और इसमें भी कीलें ठोक लेनी है। तो इसमें हमारे 2 डिज़ाइन बनने हैं। तो जब ये हमारा इसके ऊपर 2 इंची की पट्टी लग जाए फिर उसको ऊपर से 2 इंची की लकड़ी रखनी है, फिर उसके जो है पास वाले जो चौड़ाई वाले पार्टीशन है उसमें भी एक टुकड़े को रखना है ताकि हमारा 2 इंची का ग्रुप बराबर दिखाई दे, कुछ इस तरह से उसके बाद में हटा लेना है। तो उसके बाद ऊपर भी कुछ इसी तरह से करना है, 2 इंची के टुकड़ों को रखना है और साइड में भी 2 इंची के टुकड़े को रखना है ताकि जो हमारा ग्रुप है ये 2 इंची का प्रॉपर दिखाई दे। तो इसकी चौड़ाई वाले हिस्से में जो भी छोटा पीस आएगा उसको लगा लेना है। इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो इसके लंबाई वाला जो एरिया है उसमें भी सेम इसी तरह से लगा लेना है। मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अब हम इसके टॉप पर लेमिनेशन को लगा लेते हैं, इसके टॉप पर माइका को चिपका लेते हैं। तो अच्छी फेविकोल की कोशिश करें, फेविकोल अच्छी कंपनी का यूज़ करें। तो ये जो मैं फेविकोल को यूज़ कर रहा हूँ ये फेविकोल मेरीन है, वाटरप्रूफ वाला फेविकोल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो इसको ऊपर अच्छे से फेविकोल को लगा लेना है और माइका पे भी फेविकोल को लगा लेना है। तो जो इसका ऊपर का जो हमारा ये टॉप है ये 4 फीट से ज़्यादा है, तो ये 4 फीट 8 इंची है। तो अगर आप 4 फीट का काउंटर बनाते हैं तो उसमें जोड़ नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा एरिया के हिसाब से काउंटर बनाएंगे, जैसा स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग काउंटर बनाएंगे तो थोड़ा बहुत जोड़ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमने ये जो ऊपर का जो टॉप लगाया है इसको फालतू रखा है और इसको फालतू रखा है, उसके बाद हम रेती की मदद से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सूत 2 सूत या 1/2 इंची बड़ा रखना है। तो उसके बाद ये हमारी फिनिशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, रेती की मदद से हमने इसकी फिनिशिंग कर ली थी और इसके ऊपर कपड़े से अच्छे से आपको रब करना है। उसके बाद जोड़ भी लगा दिया है हमने, ज़्यादा पता नहीं चलता जोड़ का। तो मास्किंग टेप की मदद से इस तरह से ऊपर की साइड पर अच्छे से मास्किंग टेप को लगा लेना है। अब नंबर आता है इसके जो सामने हमने डिज़ाइन बनाया था इस पे माइका को चिपकाने का। तो फेविकोल से हम इस पे माइका चिपकाएंगे, तो मैंने ही पहले ही पीस काट के रख लिए थे, बिल्कुल ही फिक्स पीस काट के रख लिए थे। उसके बाद फेविकोल लगाने के बाद इस पे माइका को चिपका देना है। जैसे सबसे पहले ऊपर चिपकानी है, उसके बाद ऊपर से सबसे नीचे वाली डिज़ाइन पर चिपका लेनी है, उसके बाद कुछ इसी तरह से माइका को चिपकाते रहना है मास्किंग टेप की मदद से। दोनों को एक साथ लगाने के बाद दोनों पे मास्किंग टेप लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से मास्किंग टेप को लगाने के बाद जो इसकी लंबाई वाले पार्टीशन है सबसे पहले उसी पे माइका को आपको लगा लेना है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर माइका को लगाया, सेम इसके नीचे माइका को लगाया, फिर उसके नीचे माइका को लगाया, जो इसका खड़ा पार्टीशन है उसमें हम बात को लगाएंगे। तो दोस्तों मेरी जो कोशिश है इस वीडियो में यही है कि आपको मैं बारीकी के साथ समझा दूँ काउंटर को कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग तो हो ही गई क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको काउंटर बनाने का काफ़ी हद तक प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जो न्यू कारपेंटर भाई होते हैं
जो सारा खेल होता है वो सारा एक आइडिया का होता है। अगर हमें कहीं से एक आइडिया मिल जाता है तो हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से किसी चीज़ को बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमने इसकी लंबाई वाले पार्टीशन में सब जगह मास्किंग टेप को भी लगा लिया है और जो हमारी माइका है वो भी सेटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसके चौड़ाई वाले पार्टीशन में भी माइका को चिपका लेते हैं कुछ इस तरह से और मास्किंग टेप की मदद से इसे भी फिक्स कर देते हैं। तो हमारा जो है काउंटर का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। काउंटर के डिज़ाइन बनने के बाद हम जो इस पर माइका है हमारी इस पर लेमिनेशन होकर आती है उसको हटा लेते हैं और आप फिनिशिंग देख सकते हैं और इसकी ग्लोस की शाइनिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ये काउंटर का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, ये भी काउंटर मॉडर्न काउंटर हमने बनाया है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है। तो जो हमने इसमें लेमिनेट का यूज़ किया है और डबल कलर के लेमिनेट का यूज़ किया है तो कुछ ही अंदर से इस तरह से दिखाई देता है। हमने इसमें ये चार खाने बनाए हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस है और सामने जो आप देख रहे हैं इसके एल वाले पार्टीशन में ये फोल्डिंग सेल्फ हमने दे दिया है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। इसमें डबल दराज दिए हैं हमने, तो ये जो इसमें दराज है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें लॉक लगाए हैं, तो ये केस वाले दराजे हैं दोनों, किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे हमने एक छोटा पल्ला दिया है क्योंकि जब शॉप होती है तो उसमें जो बुक वगैरह होती हैं उसको रखने के लिए इजीली आप रख सकते हैं, उसको लॉक भी कर सकते हैं। तो इसमें दो दराजे दिए हैं और नीचे एक पल्ला दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और न्यू कारपेंटर भाइयों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सभी को एक आइडिया होना चाहिए। तो वीडियो में आपने देखा काउंटर को कैसे बनाया जाता है और मेरी कोशिश भी यही रही इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा बारीकी से आपको बताऊं काउंटर को बनाने का प्रोसेस होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझाने की मैंने इस वीडियो में कोशिश की है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपका कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कारपेंटर भाइयों में शेयर करना। जो भाई काउंटर को मेकिंग प्रोसेस में देखना चाहते हैं या फिर काउंटर बनाना चाहते हैं, जैसे कि न्यू कारपेंटर भाई काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जो लोग न्यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, अगर उनको एक वीडियो के माध्यम से आइडिया मिल जाता है तो वो भी एक प्रॉपर काउंटर को बनाना काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करना न्यू कारपेंटर भाइयों में और अपने एक लाइक के ज़रिए बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट के ज़रिए भी लिख के बताना वीडियो कैसी लगी। आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को मैं अलविदा करता हूँ, आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप देखिए MZS Woodwork YouTube चैनल, मेरे चैनल पर आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी। खुदा हाफिज़।